हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप ट्रेल लेके आई हूँ। और ये जो मेकअप है, ये आप कभी भी कहीं भी और किसी भी ड्रेस के साथ कर सकते हैं। ये मेकअप ट्रेल मैंने आज ऑरेंज आउटफिट के साथ किया है। आप किसी भी आउटफिट के साथ ये मेकअप ट्रेल शूट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि मैंने ये मेकअप कैसे किया है और आप भी इस मेकअप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको अपना CTM कर लेना है। मैंने कर लिया है। अभी मैं यहाँ मॉइस्चराइज कर रही हूँ। तो मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यहाँ पर सैंडलवुड की फेस क्रीम ली है। ये आपके फेस को वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग कर देती है। आपके फेस पे जितने भी दाग धब्बे हैं उनको हाइड कर देगी हल्का सा। और बहुत ही अच्छी क्रीम है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी आपके फेस को कर देती है ये। तो मैंने क्रीम लगाई है। अब उसके बाद मैं प्राइमर लगाने वाली हूँ। प्राइमर है ब्यूटी बेरी का प्राइमर है। और ये इस प्राइमर का रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए जल्दी जाके। बहुत ही अच्छा प्राइमर है गाइस। तो अभी मैं आई मेकअप करने वाली हूँ, इसलिए पहले मैंने आईज पे लगाया है। फेस मेकअप मैं बाद में करूँगी। तो मैंने इस तरीके से अंडर आई पे अपने पूरे पे लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ लिप बाम, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब तक मैं अब मेकअप करूँ उससे पहले मेरे लिप अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएं। तो उसके लिए मैंने बायोटिक का ये फ्रूट लिप बाम लिया है। बहुत ही अच्छा लिप बाम है। इसका भी रिव्यू चैनल पर दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। और लिप बाम काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है आपके फेस को। एक टिंटेड सा एक कलर छोड़ के जाता है आपके लिप्स के ऊपर। अब मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ ये कंसीलर है IMS डैम का कंसीलर है। शेड नंबर भूल गई, पता नहीं क्या है, मैं लिंक दे दूँगी आपको। तो बस मैंने अपने आई पे लगा लिया है इस तरीके से। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी, जिससे अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए इवनली, तो मेरे फेस पर क्रीज छोड़ के ना जाए। और अच्छे से आपको ब्लेंडिंग में बहुत अच्छा ध्यान देना होगा। आप चाहे फेस के फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करें या कंसीलर की ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे से कीजिएगा। अब मैं इसको सेट करने के लिए लैक्मे का लूज पाउडर लगा रही हूँ। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो जितना हो सके आप लूज पाउडर यूज़ किया कीजिए अपने मेकअप को सेट करने के लिए। इससे आपके फेस पे क्रीज नहीं बनेगी बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं तो वो हल्का सा जब स्वेटिंग होती है ना तो क्रीज छोड़ जाता है। लूज पाउडर से बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको ये लाइट ऑरेंज कलर देख रहे हैं ना, इसको लूँगी और अपनी क्रीज लाइन पे लगाऊंगी। तो आई शेडो के लिए पहले मैंने यहाँ पर ये ऑरेंज लाइट वाला लिया है। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ मेरे आउटफिट के साथ में मेकअप करने वाली हूँ, तो आप देख रहे हैं ऑरेंज एंड वाइट सा है। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ मेकअप करूँगी। तो आई मेकअप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। दो ही तीन शेड लिए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं लिया है। तो बस इसको क्रीज लाइन पे लगाएंगे। उसके बाद अब मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा उससे डार्क वाला ऑरेंज कलर है, इसको लूँगी और इसको मैं अपनी पूरी आई पे लगा लूँगी, मतलब आई लिड पे भी लगा लूँगी एंड क्रीज पे भी लगा लूँगी। तो दोनों पे मैं इसको लगा लूँगी, लेकिन फिर भी मुझको ये कलर नहीं मिल रहा जो मेरे आउटफिट के साथ जा रहा था। तो अभी मैं थोड़ा सा और एक कलर लेने वाली हूँ। तो आप लोग जब तक लगाइएगा, जब तक आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं इस कलर के साथ, तब तक आप लगाइएगा इसको और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ये आप रेड सा जो कलर देख रहे हैं ना, मेहरून सा व्यू, वो लूँगी, क्योंकि वो मेरा जो आउटफिट है वो बहुत डार्क ऑरेंज में है। वो ऑरेंज मेरे इस शेड में नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा रेड कलर लेके उसको डार्क ऑरेंज बनाया है, तो मैंने वो शेड लिया है। तो अगर आपके पास कोई कलर ना हो तो इस तरीके से आप कलर बना भी सकते हैं। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा, फिर से बोल रही हूँ। अब मैं ये आई मेकअप मेरा शेडो लगा ली है मैंने, आई शेडो। उसके बाद मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर के लिए मैंने आया का ये न्यूली मेरा आई लाइनर है, न्यूली मेरा लाइनर है ये। और ये जो लाइनर है वाटर प्रूफ लाइनर है, 24 आवर्स आपकी आईज़ पे टिकता है और उससे ज़्यादा ही टिकता है। और शाइन भी बहुत अच्छी है इस लाइनर में गाइज। तो मैं थोड़ा सा विंग बना के इसको लगा लूँगी और ज़्यादा मोटा नहीं लगाऊँगी, पतला ही रखूँगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं। गर्मियों में मेकअप अगर आप थोड़ा लाइट ही रखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हिलेरी रूडा का मस्कारा है शायद, हिलेरी रूडा का मस्कारा है। और इसको मैंने विगल करते हुए लगा लिया है। अल्टीमेट वॉल्यूम देता है आपके लैशेज में, बहुत अच्छा सा वॉल्यूम देता है कि अगर आप लैशेज ना लगाएं तो भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लैश को कर्ल कर रही हूँ। कर्ल करने से ये होता है कि आप अगर फॉल्सेस नहीं लगा सकते हो तो आपके आईलैश बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से, मतलब बड़े बड़े से दिखते हैं आपके आईलैश। जो मैंने मस्कारा लगाया वो भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ और आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर हिलेरी रूडा की ये पैलेट ली है। इसका जो नंबर है, इसका नंबर है 01, मेरे पैलेट का नंबर है ये 01। तो मैं अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी।
आईब्रो फिल आप परफेक्टली कैसे कर सकते हो, इसका ट्यूटोरियल मैंने शूट कर रखा है और मेरे चैनल पे अपलोडेड भी है वीडियो, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना आईब्रो फिल कर लिया है, आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्टली फिल हो गया है। अब मैं यहाँ पर अपने आईब्रो को थोड़ा फाइन करने के लिए बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी लॉकडाउन है गाइस तो आईब्रोज नहीं आप पार्लर नहीं जा सकते, तो उसको फाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने आईब्रो के आसपास आप कंसीलर लगाइएगा और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिएगा। तो ब्लेंड करने के बाद जब भी आप अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी आईब्रो बहुत ज़्यादा फाइन लगेंगी, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा, अगर आपकी आईब्रोज के थोड़े हेयर हैं आसपास तो इस तरीके से करने से वो बिल्कुल हाइड हो जाएंगे और आपकी आईब्रो बहुत फाइन लगने वाली हैं, बहुत खूबसूरत लगेंगे इस तरीके से करेंगे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपना फेस मेकअप करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़ तो पहले ही कर लिया था और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैंने वही यूज़ किया है, ब्यूटी बेरी का 24 गोल्ड जो प्राइमर था वही लगाया है। काफ़ी अच्छा प्राइमर है, बहुत अच्छे से क्लोज कर देता है आपके ओपन पोर्स को। और इसके बाद मैं यहाँ पर डूई ल्यूमिनस ये वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर लगा रही हूँ हल्का सा, ये मैं यहाँ हल्का सा ग्लो देने के लिए लगा रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है फेस पे हल्का सा ग्लो। अगर आप मेकअप कर रहे हो फेस पे ग्लो ना हो तो मुझे नहीं अच्छा लगता, अगर पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो स्पेशली ग्लो होना ही चाहिए आपके फेस के ऊपर। तो बस मैंने यहाँ पर ये लगा लिया और काफ़ी अच्छा है, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अगर आप इसको ब्लेंड करते हैं तो इविली आपके फेस पे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना मेकअप करने वाली हूँ आज बीबी क्रीम के साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी शेयर किया है कि अगर आप अपना गर्मियों में मेकअप कर रहे हैं तो जितना अच्छे से हो सके आप फाउंडेशन को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके आप बीबी क्रीम या सीसी क्रीम के साथ मेकअप भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप डेली वेयर भी मेकअप ये सीसी क्रीम के साथ कर सकते हैं, बीबी क्रीम के साथ आप पार्टी मेकअप भी सीसी एंड बीबी क्रीम के साथ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बीबी क्रीम को लगा लिया है, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है अच्छे से और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं लूज़ पाउडर के साथ इसको सेट कर लूँगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लूज़ पाउडर के साथ आप जितने अच्छे से अपने मेकअप को सेट करेंगे बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनता है आपका मेकअप, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है आपके फेस के ऊपर। तो आप अपने नेक पे एंड अपने आईज पे अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ये ब्रॉन्जर कर रही हूँ, ब्रॉन्जर के लिए स्विस ब्यूटी की पैलेट ली है मैंने यहाँ पर और मैंने पाउडर ब्रॉन्जर किया है, क्योंकि आप अभी क्रीम यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि आप गर्मियों में क्रीम कम ही यूज़ किया कीजिए तो उससे आपके फेस पे क्या है क्रीज बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी बन जाता है अगर कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं। यहाँ लिपस्टिक ले रही हूँ मैं अपना ब्लश लगाने के लिए, तो ब्लश के लिए मैंने यहाँ पर बायोटिक की लिपस्टिक ली है, अभी न्यूली मंगाई है। अगर आपने मेरे ये लाइनर एंड ये जो लिपस्टिक नहीं देखी हैं, इसका मैंने अभी पर्पल हॉल किया है, उसमें मैंने मंगाया था, तो आप मेरा पर्पल हॉल नहीं देखा है तो आप मेरे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल पर जाकर भी आप वीडियो देख सकते हैं पर्पल हॉल की। तो इस तरीके से मैंने ब्लश लगा लिया उस लिपस्टिक के साथ। अब मैं यहाँ पर काजल लगा रही हूँ, तो काजल मैं अपने ऊपर अपर वाटर लाइन पे एंड लोअर वाटर लाइन पे दोनों पे लगाऊंगी, जिससे मेरी आईज़ थोड़ा सा अच्छे से बोल्ड लगें, थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी दिखें। ये ट्रिक आप काम कर सकते हैं, जब आपकी आईज़ छोटी हैं तो आप इस ट्रिक को काम कीजिएगा, मतलब दोनों तरफ काजल लगाएंगे तो आपकी आईज़ बहुत बड़ी बड़ी दिखेंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का आई शेडो ले रही हूँ और अपने काजल के साथ इसको स्मज कर रही हूँ, जिससे मेरा गर्मियों में काजल बहुत जल्दी से निकल के ना जाए, थोड़ा मतलब वहीं रहे, स्टे हो जाए वहीं पर। उसके बाद मैंने जो लूज़ पाउडर लगाया था उसको मैं रिमूव कर दूंगी। इसके बाद मस्कारा लगा रही हूँ अपने अंडर लैशेस पे मैं अपने मस्कारा लगा रही हूँ एंड अब मैं ये लैशेस लगाने वाली हूँ। लैशेस हैं मेरे स्विस ब्यूटी के लैशेस हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लैशेस हैं गाइस के, इसका मैंने रिव्यू भी दे रखा है अपने चैनल पर। और ये लैसेज बहुत ही खूबसूरत लैसेज हैं एंड 50 रुपीज़ के लैसेज हैं ये, तो इस लैसेज को आप ब्राइडल लैसेज के साथ भी काम कर सकते हैं और आप देख ही सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही हैं मेरी आईज़। उसके बाद मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, ये मेरी हिलेरी रोडा की आई शेडो में पैलेट में था ये हाइलाइटर, बहुत अच्छा है, बहुत ही एकदम से आप देख सकते हो फिनिश भी कितना हो गया है, ग्लो बहुत अच्छा देता है। तो पाउडर हाइलाइटर भी लगाइए अगर आप चाहिए तो, और हाइलाइटर लगाइएगा ज़रूर गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, क्योंकि मुझे ये विंटर हो या समर, मतलब मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है तो मैं दोनों टाइम इसको लगाना प्रेफर करती हूँ और मैं मुझे अच्छा लगता है बस। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ
लिपस्टिक लगाऊंगी तो उससे पहले मैंने जो लिप बाम लगाया था उससे अपने लिप्स को क्लीन कर लूँगी मैं, एंड फिर से एक लिप बाम की लेयर लगाऊंगी जिससे मेरे लिप्स मॉइस्चराइज रहें एंड जो मैंने लिक्विड लिप्स लगाने वाली हूँ वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पर लिक्विड लिपस्टिक ली है, ये नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, लिंक दे दूंगी मैं आपको इस लिपस्टिक का, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है ये। मैंने अभी पर्पल हॉल किया था उसमें मैंने अपनी लिपस्टिक दिखाई थी दोनों, जो मैंने ब्लश लगाया था वो भी एंड ये वाली भी। कलर बहुत ही प्यारा कलर है, कॉफ़ी कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर। आप मेरे लिप्स के ऊपर देख सकते हो कितना प्यारा कलर निकल के आया है, और ये ऑरेंज आउटफिट के साथ बहुत ही परफेक्ट जा रहा है ये कलर। तो अभी आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर मेकअप कंप्लीट हो चुका है, तो ये मेकअप यहीं कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले लेती हूँ अपनी थोड़ी सी ज्वेलरी एंड थोड़ा सा हेयर भी बना लेती हूँ अपने हेयर स्टाइल। तो उसके बाद आप मेरा पूरा लुक देख लीजिएगा। तो ये है मेरा फाइनल लुक गाइस, तो आप देख ही सकते हो कुछ ज्वेलरी के साथ एंड हेयर स्टाइल के साथ ये लुक कितना परफेक्ट लग रहा है। तो अभी क्या है, आप लॉकडाउन भी चल रहा है, तो अगर आपके पास कहीं वेडिंग है या कोई बर्थडे पार्टी है या कोई भी पार्टी है छोटी मोटी, तो आप उसमें ये इस तरीके से मेकअप कर सकते हैं। और इस मेकअप को, ये जो कलर आज ऑरेंज कलर के साथ मैंने जो किया है, ये कलर हर किसी आउटफिट के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो आप किसी भी आउटफिट के साथ ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लगने वाला है। गाइज़ ये जो आप आउटफिट देख रहे हैं, ये आउटफिट मेरा मीशो से मंगवाया है मैंने, कॉटन है, कॉटन का ये कुर्ता है बिल्कुल, और बहुत ही परफेक्ट एंड बहुत खूबसूरत आउटफिट है ये। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और बहुत जल्दी मैं मीशो हॉल लेके आने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे आप लोगों को वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को कर दीजिएगा शेयर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।